हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में सारे लोग रहते थे। गांव वाले सब खुश थे। तो वहाँ पे एक दुर्घटना हो गई। दुर्घटना क्या थी? एक गांव में आग लग गई। गांव वाले सारे आग बुझाने का प्रयत्न कर रहे थे। कोई बाल्टियों से, कोई मग से, कोई मटके से, कैसे भी करके पानी डाल रहा था ताकि आग पे काबू पाया जा सके। वहीं पे पास में बैठा एक कबूतर पेड़ से सारा नज़ारा देख रहा था। कबूतर के मन में भी यही इच्छा जागृत हुई कि वो भी कुछ सहायता करे। तो कबूतर पास में बने सरोवर से, तालाब से अपनी चोंच में एक एक बूंद पानी भरकर लाता और उस आग में डाल देता। कुछ समय बाद आग में काबू पा लिया गया। उसके एक दो दिन बाद गांव वाले चौपाल में बैठकर चर्चा कर रहे थे। सारे लोग खुश थे कि आग बुझा ली गई। सभी लोग चर्चा कर रहे थे कि आग को किसने कितना सहयोग किया और कैसे आग बुझाई गई। वहीं पे कबूतर बैठा था तो कबूतर से पूछा गया, अरे भाई कबूतर, अगर तू अपनी चोंच में एक एक बूंद पानी लाकर न भी डालता तो भी यह आग बुझ ही जाती। तो कबूतर ने क्या जवाब दिया सुनकर आप हैरान हो जाओगे। कबूतर ने कहा, भैया आग तो बुझ जाती, लेकिन इतिहास में जब इस गांव का नाम दोहराया जाता तो मेरा नाम नहीं आता। लेकिन आज मैंने भी आपके बराबर का पूरा सहयोग दिया है। जब कभी भी इस गांव का इतिहास दोहराया जाएगा और कहा जाएगा कि आग बुझाने में किस किस का कितना सहयोग था, तो कबूतर का नाम भी वहाँ पे साथ में आएगा। तो वर्तमान में यही कोरोना की कहानी है। कोरोना से जंग जीतने के लिए हम सबको सहयोग देना जरूरी है। सहयोग यही करना है कि अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। वंदे मातरम।